सांगा इम्पोर्टेंट शासक है सर, अपने वरिष्ठ अध्यापक की दृष्टि से तो सारे विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इधर ध्यान देंगे। कॉपी कर लो बंद आप अपने आराम से, 10-15 मिनट है अपने पास में। सांगा के बारे में मैं थोड़ा आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो, मैंने पुराने विद्यार्थियों को तो हालांकि कह रखा है, आप लोगों को भी बोल देता हूँ, मेवाड़ के 3 या 4 ऐसे राजा हैं जहाँ से मेजरली क्वेश्चन आता है। यूँ तो बहुत सारे भाई, 566 में राजवंश बना, 1947 में आज़ाद हुए तब ख़त्म हुआ, 1500 सालों का हिस्ट्री है उसका पूरा, और 1500 सालों के इतिहास में कितने ही राजा ऐसे बने होंगे। लेकिन सेकेंड ग्रेड एग्जाम के अंदर अपने जो मेजरली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कुंभा अच्छे से पढ़ना है, एक महाराणा सांगा, राणा प्रताप और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह सिसोदिया, राजसमंद जेल जिन्होंने बनाई थी वो, ये 4 ऐसे राजा हैं जहाँ से आपके लगभग लगभग क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। अब मैंने कहा था कि जब अपन कुंभा पढ़ रहे थे कि मैंने कहा कुंभा ऐसा राजा है जो निर्माण कार्य भी करवाता है, युद्ध भी करता है, संगीत पर किताबें भी लिखता है, लेकिन सांगा ऐसा राजा है जिसने अपने जीवन में युद्ध लड़ने के अलावा कोई काम किए ही नहीं है, लड़ते ही रहा है। ये सुबह उठ के यूं सोचता था कि किससे लड़ना है, और रात को सोते टाइम भी ये सोचता था कि किससे लड़ना है, और कोई लड़ने को इसको नहीं मिलता था तो ये अपने बेड से ही लाते मुक्के करके स्टार्ट हो जाता था, या तकियों से ही लड़ना शुरू कर देता, ऐसा राजा था। इसीलिए बंदे की एक हाथ नहीं था, एक युद्ध में हाथ चला गया, एक में पैर चला गया, कान चला गया, नाक चला गया, एक आँख चली गई, और पूरी बॉडी पर 80 घाव थे। कहते हैं कि इतना खुखार दिखता था, ये चेहरे पर भी होंगे गांव, तलवारों वलवारों के कट लगते थे, इतना खुकार दिखता था कि कोई देख ले रात के समय तो डर जाए और 2 दिन तक तो उसको नींद ही नहीं आए। ऐसा कौन था? राणा सांगा। तो सांगा अजमेर था, एक आंख गई, बची एक आंख से ही वो देख पाता था, और एक आंख से इतना सही नहीं दिखता, जैसे मुझे अब सही नहीं दिख रहा है, ऐसे करूंगा तो भी सही नहीं दिख रहा, अब सही दिख रहा है। तो राणा सांगा 1509 में अजमेर से इसको बुलाया जाता है, इसका राज्याभिषेक यहाँ पर करवाया गया, ये बन गया राजा। अब आप सभी को पता है और आपने कहानी सुनी है कि कर्मचंद पवार नहीं होता तो सांगा नहीं बचता। तो राजा बनते ही इसने कर्मचंद पवार को कहा कि तू मेवाड़ आ जा। तो कर्मचंद पवार को राजा बनते ही इसने मेवाड़ बुला लिया, पहली बात तो ये ध्यान रखोगे आप। और इसे एक उपाधि दी रावत, कौन सी उपाधि दी? कि आज से तू मेरे इस राज्य का रावत है, तू मेरे साथ में रहेगा, क्योंकि तूने मेरी क्या करी है? रक्षा करी है, पहली बात। दूसरी बात सर, पीटीआई का एक एग्जाम होता है, फिजिकल टीचर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पीटीआई के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया कि जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, कब हुआ? जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ उस समय दिल्ली का राजा कौन था, यह सवाल पूछा गया। अब होता यह है कि अपन आगे जब पढ़ेंगे ना थोड़ी देर के बाद, तो अपन पढ़ेंगे कि राणा सांगा दिल्ली वालों से युद्ध लड़ता है, और जब वो युद्ध लड़ता है तब वहाँ का राजा होता है इब्राहिम लोदी, कौन होता है? तो 50% विद्यार्थियों ने उस एग्जाम के अंदर यही कर दिया कि उस समय राजा बना होगा तब भी कौन होगा? इब्राहिम लोदी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उस समय राजा अलग था, बाद में वहाँ पर क्या हो गया? चेंज। तो अगर अपने को दिल्ली वाला पूछा है, मान लो वो आप लोगों को एग्जाम के अंदर मालवा का पूछ ले, गुजरात का पूछ ले, तो मैं आपको सारे बता देता हूँ ताकि अपने गलती होने की कोई भी समस्या नहीं है। सुनना, जब सांगा राजा बना था तब दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी, कौन था? जो पुराने विद्यार्थी है मैंने उनको बताया था कि भाई जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने पूरा सल्तनत काल बताया था आपको, अपन ने उतारा था रावल जेत्र सिंह के समय, तो उसमें लोदी वंश के अंदर आप लास्ट में देखना इब्राहिम लोदी से ऊपर होता है सिकंदर लोदी। तो दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोदी। मालवा नासिरुद्दीन, कौन था? और गुजरात महमूद शाह बेगड़ा, क्या नाम था? अरे बोलो, कुंभा के समय अपन ने जो कुतुब शाह पढ़ा था, जिसको अपन ने हराया था और वो चंपानेर की संधि करता है, उस कुतुब शाह का बेटा अगला राजा बना था, जिसका क्या नाम था? महमूद शाह बेगड़ा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब सांगा राजा बनता है तब दिल्ली का शासक कौन था, तो आप सिकंदर लोदी करेंगे।
मालवा का शासक कौन था तो आप नासिरुद्दीन करेंगे, गुजरात का शासक कौन था तो आप महमूद शाह बेगड़ा करेंगे, कर्मचंद पवार को इसने कहाँ बुला लिया था, मेवाड़, और उसे कौन सी उपाधि दी थी, रावत की, और पीटीए के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, हो सकता है उनसे दिल्ली वाला पूछा है तो आपसे ये दोनों वाले पूछे जा सकते हैं। ये तो हो गई सांगा की शुरुआत वाली बात, क्लियर। आगे चलो, सुनना सर, मैंने यहां पर लिखा है कि दिल्ली का राजा कौन है, मैंने यहां पर लिखा है कि मालवा का राजा कौन है, नासिरुद्दीन। अब सुनना ध्यान से, मीठी मीठी बोल तू तो प्यारी प्यारी बोल, क्या हो गया इसको, अच्छा यहां से पकड़ रखा था मैंने, इसलिए दिमाग है वास्तव में। अब सर देखो क्या हुआ, कुछ समय के बाद में 1509 में राजा वो थे, 1516 के अंदर दिल्ली का राजा बन गया इब्राहिम लोदी, कौन बन गया, इब्राहिम लोदी। मालवा का शासक बन गया महमूद खिलजी द्वितीय, क्योंकि प्रथम वाला कुंभा के समय था, जिसके साथ में अपन ने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। अब यहां पर कौन हो गया, द्वितीय, वहां पर कौन है, इब्राहिम लोदी, और गुजरात का सेम टू सेम ही रहेगा महमूद शाह बेगड़ा, वो चेंज नहीं होगा। अब यहां पर है शासक राणा सांगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड, नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबने सुना है, क्या सुना बताओ, बस यही सुना है, क्या सुना उसके बारे में, दो बातें बताता हूं, सुनना, पांच मिनट में बता देता हूं। कर्नल जेम्स टॉड इंडिया के अंदर अंग्रेजों की तरफ से आर्मी की नौकरी करने के लिए आया था, किसकी, कर्नल हुआ करता था आर्मी में, कर्नल समझते हो, जब वो रिटायर्ड हो गया तो रिटायरमेंट के बाद में अंग्रेज यहां से वापस इंग्लैंड जाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसको रोक लिया और उसे ये कहा कि आप जाना मत, आप एक काम करो राजस्थान जाओ। कहाँ जाओ, क्यों जाओ राजस्थान, तो उस समय राजपूत राजा और मराठा, मराठे कहाँ पर होते हैं, महाराष्ट्र के, ये दोनों जो थे ये अगर इतने खुखार हो गए थे कि ये अंग्रेजों के सामने लड़ने को तैयार थे, अंग्रेजों को इन दो से ही राजस्थान में या भारत के अंदर डर था, महाराष्ट्र के मराठों से और राजस्थान के राजपूत राजाओं से। तो उन्होंने कर्नल जेम्स टॉड को भेजा कि यार तुम राजपूत राजाओं को जाकर ये समझाओ कि हमारे साथ में क्या कर ले, संधि, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ये संधि नहीं करेंगे और ये उनके साथ में मिलके तो हमें यहाँ से हरा देंगे। तो कर्नल जेम्स टॉड सबसे पहले मेवाड़ आया, मेवाड़ इसलिए आया क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्या थी, मेवाड़, पुरानी भी थी और यहाँ की बात सब लोग मानते थे, तो मेवाड़ आया और मेवाड़ के राणा जी थे उस समय भीम सिंह जी, उनसे मिला, 1818 के आसपास की बात है ये, अभी 200 साल पहले की बात है, उनसे मिला और उसने मेवाड़ वालों के साथ में संधि कर ली, उसने कहा कि साहब आप हमें हमारे साथ में संधि कर लो, मराठों के साथ में मत जाओ। तो मेवाड़ के राजाओं ने और राजस्थान के राजाओं ने कहा कि हम तो खुद मराठों से परेशान हैं, और हकीकत है राजस्थान के सारे राजा मराठों से परेशान थे, तो उन्होंने संधि कर ली। तो वो इस सिटी पैलेस में रहता है, सिटी पैलेस देखा आप लोगों ने, अंदर गए हो कभी, नहीं गए हो तो कभी जाना, सिटी पैलेस में वो रहता था महल के अंदर। तो वहां पर एक कवि रहते थे जिनका नाम है कवि राजा श्यामल दास, इन्होंने किताब लिखी है वीर विनोद। सिटी पैलेस में जाओगे ना आप तो वहाँ एक रूम बना हुआ है छोटा सा, इससे भी छोटा है अपने, उसके बाहर लिखा हुआ है श्यामल दास कक्ष और अंदर उनकी तस्वीर वगैरह पड़ी है कि श्यामल दास ने यहाँ पर बैठकर कौन सी किताब लिखी थी, वीर विनोद। और उसके जस्ट सामने की तरफ एक और रूम बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कर्नल जेम्स टॉड कक्ष, कर्नल जेम्स टॉड उस रूम के अंदर रहा करता था। तो वीर विनोद वो बैठकर वहां पर लिखा करते थे रोज, कर्नल टॉड सामने रहता था, तो कभी कर्नल टॉड घूमते घूमते शाम के टाइम उनके पास में गया होगा, उसने पूछा होगा कि साहब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, उसने कहा कि साहब मेवाड़ की हिस्ट्री लिख रहा हूँ, इतिहास लिख रहा हूँ मैं। तो वो कहानियां कर्नल जेम्स टॉड ने भी सुनी कि यहाँ के लोग 20,000 की सेना लेकर 80,000 से लड़ते थे, गायों की रक्षा के लिए पाबू जिन बाबा रामदेव जिन उन्होंने जान दे दी। तो अंग्रेज दुनिया के अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, खुद को अंग्रेज लिखते थे कि द डॉग्स एंड द इंडियंस आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास के अंदर अंग्रेज और
कुत्ते और भारतीय अलाउड नहीं है, मतलब वो दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंसान जो है वो खुद को ही मानते थे। तो कर्नल जेम्स टॉड ने जब ये कहानियां पढ़ी तो उसे लगा कि यार हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बाकी हम तो गलत हैं, सर्वश्रेष्ठ तो राजस्थानी लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि सामने मौत है। भाई अगर बंदा 20,000 की सेना लेके 80,000 से लड़ रहा है तो उसको पता है कि मैं मरूंगा, फिर भी वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दान कर देते थे, न्योछावर कर देते थे। तो ये कहानियां कर्नल जेम्स टॉड को इतनी अच्छी लगी कि उसने एक घोड़ा लिया और पूरे राजस्थान में घूमा, इसलिए लोग उसको कहने लगे घोड़े वाले बाबा। क्या कहने लगे? घोड़े वाले बाबा। और पूरे राजस्थान में घूमकर एक एक जगह के इंसान से मिला, सारी कहानियां उसने सुनी, शिलालेख उसने पढ़े, किताबें उसने पढ़ी, सब कुछ उसने पढ़ा। और पढ़ने के बाद में वो खुद की एक किताब लिखने के बारे में सोचता है। अब अंग्रेज उसको बीच बीच में दिल्ली बुलाते थे कि भाई राजस्थान में कैसे क्या चल रहा है, आओ हमें बताओ। तो वो राजस्थान के लोगों की बहुत तारीफ करता था कि अरे अपन तो कुछ नहीं है, दुनिया के अंदर सबसे अच्छे लोग तो कहाँ रहते हैं, जो गायों की रक्षा के लिए अपनी क्या देते हैं जान, अपन तो जिंदगी में कभी जान नहीं देते गायों की रक्षा के लिए, अपने तो कुछ नहीं है, राजस्थान के लोग इतने महान हैं, इतने वीर हैं, ये हैं वो हैं, हर बार तारीफ करता। ऐसा कहते हैं कि एक समय अंग्रेजों को ऐसा लग गया था कि किसी दिन ये राजस्थान के लोगों को इकट्ठा करके आएगा और हमारे साथ में क्या कर लेगा, युद्ध कर लेगा। इसलिए उसको कहा गया कि तू अब राजस्थान छोड़ के यहाँ से निकल जा और सीधा इंग्लैंड चला जा। कहाँ चला जा? वो रोया बेचारा कि साहब मैं मेरी बुक लिख रहा हूँ, मुझे पूरी लिख लेने दो, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात नहीं मानी कि तू भग जा, तू हमारे साथ में क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो वो घोड़ा लेके यहाँ से बॉम्बे जाता है, मेवाड़ से, क्योंकि जो जहाज चलते थे वो बॉम्बे से जाया करते थे। तो यहाँ से वहाँ जाने के बीच में उसने जो जो चीज़ें देखी उसको एक किताब के अंदर लिखा, जिसका नाम है द ट्रेवल्स इन इंडिया। क्या नाम है? और फिर वहां से इंग्लैंड गया और 1829 के अंदर इंग्लैंड में जाके उसने राजस्थान के इतिहास की एक किताब प्रकाशित की, जिसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसलिए राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को, क्योंकि दिल्ली के लोग या भारत के अन्य लोग ये मानते थे कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अपने दरबार के अंदर कवियों को बिठाकर, इतिहासकारों को बिठाकर अपने मन हिसाब से जो मन में आया वो लिखवा लिया, इनकी हिस्ट्री के अंदर कोई भी सत्य बात नहीं है। लेकिन जब कर्नल जेम्स टॉड ने ये सब कुछ लिखा तब लोगों ने माना कि राजस्थान में सही में ऐसे वीर व्यक्ति हुआ करते थे। तो इसीलिए राजस्थान के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे वीर लोग पाए जाते थे। उसने एक कहानी लिखी है कर्नल जेम्स टॉड ने, जैसलमेर का कोई राजा था, ऐसा कहते हैं कि उसकी कोई उम्र हो गई, आजकल तो बहुत कम उम्र में वाइट बाल आ जाते हैं लोगों के, बच्चों के भी आ जाते हैं, उस समय ऐसे नहीं आया करते थे, खान पान लोगों का अच्छा था। तो ऐसे कहते हैं उसकी कोई 40-42 साल की उम्र हो गई राजा की, और एक दिन वो कांच के अंदर खुद को देख रहा था तो उसे लगा कि यार बाल आ गए मेरे कैसे वाइट, और वाइट बाल आ गए इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और बूढ़ा हो गया हूँ इसका मतलब जो है वो मैं कभी भी किसी भी वक्त मर सकता हूँ, इस प्रकार से मुझे तो अब कब के ही मर जाना चाहिए था। तो उसे ऐसा लगा कि मैं कभी भी क्या हो सकता हूँ, मर सकता हूँ, तो मैं पलंग के अंदर पड़ा पड़ा मरूँ, मैं घर के अंदर रहकर मरूँ, इससे बेटर है कि मैं कैसे मरूँ, लड़के मरूँ। लड़के मरना उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो उसने जैसलमेर से आगे एक रियासत पड़ती है पाकिस्तान में, अमरकोट, हिंदू रियासत थी वो, अभी पाकिस्तान में चली गई। वहां के राजा को उसने चिट्ठी लिखी कि राजा जी आप आओ और मेरे साथ में क्या करो, युद्ध करो। राजा ने कहा भाई क्यों करूं, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है, अपन दोनों क्यों लड़े? तो कहे साहब मैं युद्ध भूमि के अंदर लड़ते हुए मरना चाहता हूं, इसलिए आप आओ और मुझसे क्या करो, युद्ध करो। तो अमरकोट के राजा ने कहा कि यार जब युद्ध होगा तो क्या गारंटी है कि तू ही मरेगा, मैं मर गया तो? तब उसने कहा कि साहब आप अपनी 20-25 हजार की सेना लेके आना, मैं सिर्फ 500 व्यक्ति लेके आऊंगा, कितने? तब तो मैं मरूंगा। आप सोचो ऐसे राजस्थान में लोग हुआ करते थे जो युद्ध भूमि में मरने के लिए सामने से युद्ध किया करते थे। ये कहानियां जब कर्नल जेम्स टॉड पढ़ता है तब वो राजस्थान की हिस्ट्री लिखता और प्रभावित हो जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर उस किताब को पढ़ने के बाद में कहते हैं द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान कि मैं इतने सालों के भारत के इतिहास के अंदर, मतलब जो भी अपनी पुरानी हिस्ट्री है,
जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ तो मुझे सिर्फ हारने का इतिहास ही नज़र आता है कि अपन मोहम्मद बिन कासिम से ही हारे, फिर गोरी से हारे, गजनवी से हारे, मुगलों से हारे, सबसे हारते आए, अंग्रेजों से भी हारे, 1000 साल तक अपन हारते आए। लेकिन जब भी मैं इस हारते हुए इतिहास के अंदर राजस्थान का इतिहास पढ़ता हूँ तब मुझे कहीं पर यूँ लगता है कि अपन ने कुछ न कुछ तो जीता भी है। तो उस वीर भूमि के रहने वाले लोग हैं अपन, इसलिए हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। पूरे भारत के अंदर दो ही ऐसी जातियाँ या दो ही ऐसे क्षेत्र थे जहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को भी हराने की कोशिश करी हो या मुगलों को भी, तो या तो राजस्थान या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मराठे। तो वो जो कर्नल जेम्स टोड था वो सांगा के बारे में लिखता है कि सांगा जब अपने दरबार के अंदर बैठता था, दरबार जब लगाता था, तो उसके दरबार में पर डे 7 तो बड़े राजा आते थे। कितने राजा? 7, 9 राव और 104 छोटे मोटे सरदार पर डे आते थे। अब आप सोचो साहब, सांगा कितना महान शासक रहा होगा जिसके दरबार में आजू बाजू के 7 बड़े शासक, 9 राव और राजस्थान के 104 छोटे मोटे जो भी ठिकानेदार होते थे वो रोज आके यस सर, प्रेजेंट सर बोलते थे, जय हिंद सर। इतना बड़ा राजा कौन था? सांगा। अब दिल्ली का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा सांगा। तो इसको यूं लगता है कि यार मैं राजा बड़ा हूं और ये नीचे एक छोटा सा राजा इतने बड़ा धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो वो कहते हैं ना कि दो बर्तन जब पास में होते हैं तो कभी ना कभी टकराते हैं, कि नहीं टकराते हैं? तो ये जब दोनों पास पास में आगे इनकी सीमाएं मिलने लगी तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? टकराव। और 3 युद्ध लड़े गए साहब। कितने कितने? अब ये जो 3 युद्ध बताने जा रहा हूं, ये तीनों के तीनों युद्ध जो हैं वो पटवारी के एग्जाम में यूं का यूं पूछा था, सही काल क्रम के अनुसार बताइए, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ। आपको याद रखना है के बी और जी। क्या याद रखोगे? एक शो आता है जिसका नाम है के बी और सी है। कौन सा शो है, कौन बनेगा, कौन होस्ट करता है उसको? अपने यहां पर क्या है, कौन बनेगा गधा, के बी और जी। के वाला हुआ था 1517 में, बी वाला हुआ था 1518 में और जी वाला हुआ था 1519 में। याद रह जाएगा के बी जी, 17, 18 और 19। के से याद रखना है खातोली का युद्ध, बी से बाड़ी का युद्ध और जी से गागरोण का युद्ध। पहला कौन सा है? खातोली, बाड़ी, गागरोण। ये पटवारी वाले के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करो। और जिसको ये शॉर्ट ट्रिक याद थी के बी और जी, मुझे नहीं लगता कि उस बंदे का ये कभी भी क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो के से खातोली, बी से बाड़ी, जी से गागरोन, 17, 18 और 19। ये दोनों युद्ध इनके साथ लड़े सांगा ने, और ये वाला जो युद्ध था वो किसके साथ लड़ा था? महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में लड़ा था। अब इन युद्धों के अंदर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो मैं आपको तारक मेहता के अगले एपिसोड में कल सुबह सुनाऊंगा। समझ में आ गई बात? समझ में आया? अब मेरी बात थोड़ी सी सुनना, गौर करना। जहां तक सूचना आ रही है, जहां तक मुझे पता है, बहुत जल्द आपकी भर्तियां आने वाली है, बहुत जल्द इस महीने के अंदर अंदर लगभग फर्स्ट ग्रेड के तो रिजल्ट आ गए सारे, दो एक सब्जेक्ट के बाकी रहे, थर्ड ग्रेड का भी आ जाएगा, सेकेंड ग्रेड के भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस महीने में ये सारे क्लियर हो जाएंगे और सरकार आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि दिसंबर में चुनाव है, आचार संहिता सितंबर के आसपास लगती है, उसे लगने से पहले विज्ञप्ति जारी करके जाएगी। हालांकि सबसे पहले एग्जाम व्याख्याता का होगा, सबसे पहले व्याख्याता आएगी, उसका एग्जाम होगा। वैकेंसी आपकी आ सकती है और अपने पास में 6-7 महीने के अलावा समय है नहीं, क्योंकि अगले महीने भी अगर भर्ती अगर आपकी आती है तो दिसंबर या जनवरी तक एग्जाम होता है, तो 6 महीने होते हैं अपने पास, और 6 महीने किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इनफ है। तो तैयारी थोड़ा सा सीरियस मोड में स्टार्ट कर दो, शादी ब्याह में जाना आना जो भी है वो कम कर दो और पढ़ना शुरू कर दो, और जो आज पढ़ाया जाता है उसको रोज पढ़ना है, रोज रिवाइज करना है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट कर देना, ठीक है? ओके सर, बाकी अपन कल बात करेंगे।